नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम हमारे सवाल प्रशांत प्रभु के साथ। प्रभु जी, श्राद्ध जो है वो कहते हैं जरूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा संस्कार माना जाता है श्राद्ध। क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि श्राद्ध करना चाहिए? हाँ, वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है विशाल जी, लेकिन संक्षिप्त में समझें तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। जो भक्ति के मार्ग में होते हैं वो लोग तो श्राद्ध करना छोड़ ही देते हैं, और जो भौतिक मार्ग में होते हैं उनको पता ही नहीं होता, यानी कि कोई भी नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गीता में लिखा है कि देवान यान्ति देवृतान, पितरान यान्ति पृथ्वीतान, भूतान यान्ति भूतज्य। तो भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं। अब इसलिए लोग पितर की पूजा करना बंद कर देते हैं। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि पितृ श्राद्ध करना पितृ पूजा नहीं है। पितृ पूजा होती है यानी कि अपने घर के ऑल्टर में हमने माता पिता की फोटो रख दी और हम कहते हैं मेरे माता पिता ही मेरे भगवान है। माता पिता भगवान स्वरूप है, हमारे गुरु हैं, उनकी हम फोटो रख सकते हैं, लेकिन उनको भगवान का स्थान पर नहीं रख सकते। गुरु को हटा करके हम राधा कृष्ण या शिव जी की जगह पर नहीं रख सकते हैं। हमें गुरु हमें वो हैं जो हमें भगवान तक मिलाते हैं, ऐसे माता पिता वो हैं जो हमको ज्ञान करवाते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना है। तो ये पितृ पूजा अलग चीज है, श्राद्ध अलग चीज है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध श्रद्धा से आया, फेथ, श्रद्धा। जितनी माता पिता के प्रति श्रद्धा है, बोले जीते जी माँ मांग रही थी पानी दे दो, तो बोले अभी टाइम नहीं है बाद में दूंगा और अपने ऑफिस चले गए, श्रद्धा ही नहीं थी। जिसको जीते जी श्रद्धा नहीं थी वो मरते पर्यंत क्या श्रद्धा करेगा, क्या एक श्रद्धा, अगर वो करता भी है तो वो औपचारिकता है। श्रद्धा मतलब है श्रद्धावान होकर के श्राद्ध किया जाए। श्राद्ध क्या है, अब प्रश्न उठता है। जीव आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद 11 महीने के अंदर वो यात्रा करके अपने निर्णायक स्थान पर पहुंची जिसे बरसी कहते हैं। अब बरसी का जब दिन आया तो उसमें निर्णय होगा कि अच्छा किया कि बुरा किया, कि पाप किया कि पुण्य किया, वो निर्णय होगा। निर्णय होने के बाद में यह डिसीजन लिया जाएगा कि इसको नर्क जाना है कि स्वर्ग जाना है, कि पुनः पृथ्वी पर जाना है कि वैकुंठ जाना है, यह सब नियम डिसीजन लिया जाएगा। तो जब चित्रगुप्त आदि बैठकर के यह नियम ये डिसीजन लेते हैं तो उसमें इतनी जल्दी तो होता नहीं। भारत में भी अगर देखें एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हर फ्लाइट टाइम पर नहीं आती, 3-3, 4-4 घंटे का वेटिंग बना रहता। तो वेटिंग स्टेशन, अब भीड़ लग जाएगी ना चित्रगुप्त के सामने, तो उन्होंने एक वेटिंग स्टेशन बना दिया जिसका निर्णय नहीं हो पा रहा, अभी वेट करो। तो वेटिंग स्टेशन को पितृलोक कहते हैं। नर्क अलग है, स्वर्ग अलग है और पितृलोक अलग है। तो पितृलोक जो है वो वेटिंग स्टेशन है, जिनके निर्णय नहीं हुए वो सब वेट कर रहे। तो बोलते कितने काल तक वेट करना पड़ता है हमारे, उनको मरे हुए तो 4 साल हो गए। अब वेटिंग काल कितना भी हो सकता है, हमारे और उनके लोक में डिफरेंस है। देवलोक पितृलोक में 1 दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर है। वहां का लंच टाइम हमारे यहाँ का 15 दिन का पितृपक्ष होता है। लंच टाइम में उनको खाना चाहिए तो वो हमारे लिए साल, उनका 1 दिन हमारा साल, उनको हर रोज खाना चाहिए, हमारे साल में 15 दिन में उनको पितृपक्ष में भारी भोजन चाहिए। आप कहेंगे अरे वो कौन से लोक में, आप कौन से लोक में, कैसे खाना पहुंचेगा? बोले आपका बेटा अमेरिका पढ़ने गया है और उसको पैसे की जरूरत है। आप कहते बेटा मैंने बैंक में पैसे डाल दिए, तुम निकाल लेना। डालते हैं यहाँ पर किस रूप में, रुपये के रूप में। अमेरिका में वो निकालता है डॉलर के रूप में। अरे भैया तुम्हारी टेक्निक रुपए को डॉलर बना सकती है, तो हम अगर गायक के या ब्राह्मण के मुख में रोटी या पूड़ी सब्जी देते हैं तो वहां पर वो पितृलोक में पितृ का भोजन बनकर उनको प्राप्त होती है। अब व्यक्ति बोलता है कि अगर हमारा पितृ वेटिंग स्टेशन में ना होकर के कोई जन्म ले चुका हो, अगर वो पशु बन गया हो, नीचे गया हो, बहुत मदिरा पान करता था, अधोगति को प्राप्त हुआ, नीचे गिर गया, तो बोले अगर वो गाय बैल बकरी ऐसा बना तो आपका भोजन वह कन्वर्ट होकर के उसी भोजन के रूप में उसको प्राप्त होगा। अगर आपने रुपए डाले और बेटा अमेरिका की जगह यूरोप में था तो आपका पैसा डॉलर की जगह यूरो में कन्वर्ट हुआ, अगर दुबई में था तो धीराम में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही अगर पशु योनि में आपका पितृ था तो उसको पशु का आहार प्राप्त होगा, अगर शेर के रूप में था तो मांस मिल जाएगा, गाय के रूप में तो घास मिल जाएगी। अगर वो पितृलोक में होगा तो पितृ का भोजन प्राप्त हो जाएगा उसको, अमृत आदि। अगर स्वर्ग होगा तो अमृत प्राप्त हो जाएगा। अगर वो नरक में होगा तो नरक का भोजन प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मनुष्य रूप में होगा तो भी उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे कभी कभी कहते नहीं है
आज पेट भर के खा लिया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है और खाएं, संतुष्टि बड़ी आ रही है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी लोक में हमारे लिए कोई ना कहीं पितृ पक्ष का भोजन कर रहा होता है। तो जीवात्मा का बोलते हैं, नहीं नहीं जी, हमारे पिताजी तो बड़े धर्मात्मा आदमी थे, वो तो मुक्त हो गए होंगे, उनके तो गया में हमने श्राद्ध कर दिया, गया में जो गया वो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, अब तो परमानेंट चला गया, उसको कैसे भोजन की जरूरत है। बोले नहीं जी, अगर वो गोलोक भी चला गया होगा ना भगवान के धाम में, तो भी आपका दिया गया श्राद्ध का भोजन उनको भगवत प्रसाद रूप में प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगा, ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट होगा। अब इसको करने की कई सारी विधि हैं, कैसे किया जाए। बोले जी कोई पंडित नहीं मिलते, मिलते हैं तो सब बिजी रहते हैं, मिलते हैं तो फेंक देते हैं, तो हमारे भोजन का अपमान होता है क्योंकि आपको करना नहीं आता। श्राद्ध कर्म का मतलब है तर्पण। तर्पण यानी कि अपने पितरों को पानी पिलाना, वो 15 दिन लगातार सबको पानी पिलाना चाहिए। जैसे यज्ञ करने में ओम स्वाहा, ऐसे ही इसके अंदर ओम स्वध्याय नमः, दो दो है ना, ये दो देवी हैं, एक स्वाहा देवी एक स्वध्या। स्वधा देवी जो है ये पितृ का यज्ञ पूर्ण कराती है, और जो स्वाहा देवी हैं ये यज्ञ का यज्ञ पूर्ण कराती है, अग्नि के साथ रहती है, और ये पितृ लोक के जो राजा है अयर्मा उनके साथ रहती है, उनकी पत्नी। तो इस प्रकार से ये भोजन जिस प्रकार स्वाहा अग्नि में आप डालते हो, स्वाहा स्वाहा घी, वो भगवान तक पहुंचता है, ऐसे ही पितृ को किया गया तर्पण। अब यज्ञ करते हैं ऐसे और तर्पण करते हैं उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ से। कोई भी तर्पण का कार्य होगा, हाथ में तिल जल रखा, बोले तर्पण कर दिया। तर्पण करने से आपके पितृ को जल प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। करना ही क्या है, एक प्लेट ले लो, उसमें भोजन बना लो, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ और प्रसाद रूप में या तो गाय को खिला दो या तो किसी ब्राह्मण को खिला दो, जिस दिन उनकी तिथि हो उस तिथि पर खिला दो, और 15 दिन जल देते रहो, बस इतना ही करना है। बोले कितनी पुष्टों का करना चाहिए, बोले कम से कम 2 पुष्टों का तो करना चाहिए, यानी अपने पिता का, अपने दादा का, अपनी माँ का, अपनी दादी का, इतना तो करना ही चाहिए। इससे ऊपर का नहीं आपको याद है या नहीं मालूम है तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम अगर आप जीवित हैं तो आपको अपनी 2 पुष्टों का अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि अक्सर आपने जैसे बोला कि ये लोग सोचते हैं अरे क्या है, बेकार की चीज है, कुछ नहीं है, शास्त्रों में लोगों का बिलीव नहीं है। और मैं आपको बताऊं एक बात की, अगर पितृ का भोजन नहीं जाता ना, मतलब सोचो ऑफिस में आदमी गया हो काम करने, पत्नी ने खाली डब्बा दे दिया हो, तो पति क्या बोलेगा वो तो आप ही बता सकते हैं, संसारी क्या बोलेगा, क्या ही जवाब देगा फोन पर। ऐसे पितृ को जब भोजन नहीं मिलता तो बड़ा श्राप लगता है, उसी को पितृ दोष कहते हैं। फिर आदमी के काम बिगड़ने लग जाते हैं, नौकरी में अचानक से बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। बोले क्या हो गया ये, बोले जी पितृ दोष लगा है। फिर वो ज्योतिषाचार्य के काम करते हैं, श्राद्ध तब भी नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने सुना ये जो हमारे सनातन धर्म में कस्टम्स हैं वो बहुत ही मतलब सोच समझ के हैं, और वो हमने किसी ने नहीं बनाया, वो शास्त्रों में लिखी हुई चीजें हैं, और अगर जितना संभव हो उनका पालन कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।